उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित युवती के साथ गैंगरेप की घटना और उसके बाद पीड़िता की मौत के मामले को लेकर पूरे देश में रोष बना हुआ है। देश के हर शहर में इसको लेकर रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी को लेकर करनाल के इंगरी में भी विभिन्न संगठनों द्वारा वाल्मीकि चौक पर एकत्रित होकर पूरे शहर में कैंडल मार्च निकाल पीड़िता को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सभी संगठनों ने सरकार से आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। इस अवसर पर उमेश रिंडल व राज सिंह ने कहा कि इस घटना से पूरे दलित समाज में गुस्सा है, जिसको लेकर यह रोष मार्च निकाला गया है। उन्होंने कहा कि इस दरिंदगी पर आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ओर तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन बेटियों के साथ की जा रही ऐसी दरिंदगी इन नारों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। इस मौके पर यूपी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रोष प्रकट किया गया। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। आज दलित समाज के साथ जो ये घटना हुई, ये बहुत शर्मनाक घटना है और यह दलित समाज की ही घटना नहीं, ये सारे मानव समाज के लिए एक बहुत दर्दनाक घटना है। अपराधियों की कोई जात नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई समाज नहीं होता, अपराधी सिर्फ अपराधी होते हैं। हम यूपी सरकार से, केंद्र सरकार से ये गुहार लगाते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं कि ऐसे गुनाहगारों को, ऐसे दरिंदों को तुरंत जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए, ताकि मनीषा हमारी जो बहन है उसको इंसाफ मिल सके। आज हम सारे समाज के लोग यहाँ पर वाल्मीकि चौक इंद्री में इकट्ठे हुए हैं और मनीषा के लिए न्याय की गुहार करते हैं। यहाँ पे सभी समाज के लोग हैं। मैं मीडिया से भी, मीडिया का यहाँ आने पर मीडिया का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम लाभ सिंह है। मैं राम मंदिर वाल्मीकि और सर्व समाज के यहाँ सभी साथी इंद्री हल्के में इकट्ठे हुए हैं। आज हम जो दलितों की बेटी के लिए के ऊपर अत्याचार हुआ है, जघन्य अपराध जो दरिंदों ने किया है, अत्याचार किया है, उसके लिए हम फांसी की मांग करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं और अपनी समाज की बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज कैंडल मार्च हम इंद्री हल्के में, इंद्री के शहर बाजार में निकाल रहे हैं। हमारा सर्व समाज हमारे साथ है, वाल्मीकि समाज के साथ साथ और जितने भी समाज के साथी हैं सभी इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। हमारी सब सिर्फ एक ही मांग है कि हत्यारों को सिर्फ फांसी के अलावा और कोई सजा हमें मंजूर नहीं, सिर्फ फांसी ही होनी चाहिए या उनका तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए। उन्होंने एक जघन्य अपराध किया है, रेप के साथ साथ उन्होंने उसकी गर्दन भी तोड़ दिया, रीढ़ की हड्डी भी तोड़ी है, यहाँ तक कि उन्होंने उसकी जीभ को भी काट दिया। दलितों पे ये अत्याचार कब तक होगा? आप दलित जाग चुका है, आगे के ये अत्याचार सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए आज सारा समाज इकट्ठा हुआ है। हम सिर्फ यही मांग करते हैं सरकार से कि फांसी ही उनको होनी चाहिए। अत्याचार ज्यादा, हत्यारे जो हैं वो ज्यादा दिन बाहर नहीं रहने चाहिए, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और उनको फांसी पे लटकाया जाए। आप निकाल रहे हो आप? जैसा कि आप सबको पता है कि ये केवल दलित की बेटी नहीं, वाल्मीकि की बेटी नहीं है, पूरे भारत देश की बेटी है और इसमें सभी संगठन, सभी राजनीतिक दल इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। ये जो 14 सितंबर की जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। इसमें एक भारत की बेटी को, इज्जत को तार तार किया गया है। मैं इस प्रशासन से, यूपी प्रशासन से एक मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द जो ये ठाकुर कौम के बच्चे हैं, राक्षस है, दरिंदे हैं, इन चारों को फांसी की सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी गलती ना करे। इनको मैं तो चाहता हूँ कि जैसे हम चौक पे इकट्ठे हुए ना, चौक पे नंगा करके लटका के इनको सीधा एनकाउंटर करा जाए। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ और अगर जब तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम सड़कों पे ऐसे ही उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रोज प्रकट करेंगे। मैं आपका कभी मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी मांग को, एक गरीब बच्ची की मांग को, उसकी जो इज्जत को तार तार किया गया, उसको जोर शोर से मीडिया में दिखाया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। तो कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ निकालेंगे जी? अभी कैंडल मार्च हमें वाल्मीकि चौक, महर्षि वाल्मीकि चौक से शुरू करके पूरे बाजार से होते हुए दोबारा यहीं मोमबत्तियों को हम श्रद्धांजलि देंगे, यहाँ मोमबत्तियों के माध्यम से अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।